छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग कहानियों का मंत्रा मंत्रा। एनएमएनएम ओरिजिनल। एक्सक्यूज मी, जी जी आपकी कभी लॉटरी लगी है क्या? नहीं मतलब सपोज आप कहीं बस से जा रहे हैं, बस में खचाखच भीड़ है, फिर भी आपको विंडो सीट में आराम से बैठने का मौका मिल जाए तो आप कहते हैं ना कि अरे भाई आज तो लॉटरी लग गई। लेकिन आज का ये एपिसोड उस वाली लॉटरी के बारे में नहीं है, आज की ये कहानी है असली लॉटरी के बारे में। अरे वो लॉटरी जो अगर आपकी लग जाए तो आपको कभी बस में ट्रैवल करने की जरूरत ही ना पड़े, समझ रहे हैं ना? हाँ, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। जहां भी जाएंगे या तो फ्लाइट से उड़कर या अपनी महंगी गाड़ी, इतना पैसा होगा जेब में कि सिर्फ दो दो हजार के ही नोट होंगे। अरे बिल चाहे 100 रुपए का हो या 1000 का, आप सिर्फ एक नोट देकर कहेंगे कीप द चेंज। तो भाई जिंदगी में एक बार तो आपने सोचा ही होगा ना कि काश हमारी भी सारी गरीबी दूर हो जाए, हमारी भी लॉटरी लग जाए। अजी सुनते तो बचपन से आ रहे हैं कि ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन आखिर कब फटेगा हमारा छप्पड़? हमारे छप्पड़ से तो सिर्फ बारिश के दिनों में पानी टपकता है और कुछ टपकता ही नहीं भाई। तो आज की ये कहानी भी ठीक ऐसे ही एक शख्स सेठ धनराज अग्रवाल की है। देखिए भाई, भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, नहीं मतलब भगवान मतलब उनके पिताजी श्री भगवान प्रसाद अग्रवाल जी। तो सेठ धनराज इतने अमीर हैं कि उनके पास सब कुछ एक नहीं दो है, जैसे कि गाड़ी एक नहीं दो, बंगलो एक नहीं दो, नौकर एक नहीं दो, बच्चे एक नहीं दो, बीवी एक नहीं दो। अरे 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 क्या बोले जा रहे हो तुम लोग सब, चुप, बीवी एक ही है उनकी। तो भाई इतना सब होने के बावजूद भी सेठ धनराज और धन कमाने के लिए बेताब रहते थे। अरे ऐसे बेताब जैसे सदियों से तैरती कोई कश्ती किनारा पाने को बेताब हो, जैसे किनारे पर ठहरी कोई कश्ती तैरने को बेताब हो। अरे जैसे पूरे हफ्ते आप बेताब रहते हैं कि कब संडे आए और कहानियों का मंत्रा सुने, जैसे पूरे हफ्ते हम बेताब रहते हैं कि कब संडे आए और आपको कहानियों का मंत्रा सुनाए। तो वही सेठ धनराज दिन रात सुबह शाम सिर्फ इसी कैलकुलेशन में लगे रहते कि ढेर सारा धन कैसे कमाऊं। लेकिन एक दिन शायद भगवान ने उनकी सुन ली, नहीं इस बार रियल वाले भगवान जी वो ऊपर। तो एक दिन हुआ क्या कि पैसों की जगह एक ऑटो वाले ने थमा दिया सेठ धनराज को एक लॉटरी का टिकट, मतलब छुट्टे पैसे नहीं थे ऑटो वाले के पास, तो कहा ये ले लो, जिसका रिजल्ट निकलने वाला था अगले दिन। अरे लेकिन सेठ धनराज तो इन चक्करों में कभी पड़ते नहीं, ना 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 ना, ना। लेकिन हुआ ये कि 100 रुपए का टिकट ऑटो ड्राइवर ने 20 रुपए के बदले दिया, 80% ऑफ के चक्कर में ले लिया उन्होंने टिकट। अब सेठ जी ने भी सोचा देख लेते हैं रिस्क लेकर, क्या पता कहीं बदल ही जाए किस्मत, हो सकता है कहीं लगी जाए लॉटरी है। अगले दिन सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके बैठ गए सेठ धनराज जी कंप्यूटर के सामने और खोल ली वो वेबसाइट जहां डिक्लेयर होने वाला था रिजल्ट। टिकट हाथ में लिए एक एक नंबर वेबसाइट से कंपेयर करने लगे। वेबसाइट पर नंबर था 888-000-8886, मगर सेठ जी का टिकट का नंबर था 9888-000-888। सेठ जी मायूस, अरे दुखों ने 2 करोड़ की लॉटरी हारने का नहीं बल्कि उस 20 रुपए का था जिसके बदले ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती वो टिकट थमा दी थी। मायूस होकर सेठ जी ने सोचा अरे सब टिकट बेचने के पैतरे हैं इन लोगों के, जानबूझकर टिकट पर 100 रुपए का MRP छापते हैं, फिर छुट्टे होते हुए भी नहीं 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 कहकर टिकट थमा देते हैं, डूब गए ना 20 रुपए। तभी बगल में खड़ा उनका बेटा बंटी खुशी से नाचते हुए बोला अम्मा अरे बधाई हो पापा लग गई लॉटरी। सेठ जी हैरान पूछे कैसे,
बंटी ने बताया। अरे पापा, आपने टिकट उल्टा पकड़ा है, घुमा कर देखो लग गई लॉटरी। सेठ जी ने टिकट सीधा किया और वेबसाइट से फिर नंबर मिलाया। हाँ, अरे 8880008886, ओह माय गॉड। एक एक करके पूरे 10 नंबर मैच हो गए और लग गई सेठ धनराज अग्रवाल की लॉटरी। तुरंत ही सेठ जी ने बजवा दिया ढोल नगाड़ा, कर दिया अपने 2 करोड़ की लॉटरी जीतने का ऐलान। सेठ जी और बंटी नाचने लगे, उनको नाचता देख घर में सभी नाचने लगे, पूरा मोहल्ला नाचने लगा, पूरा गांव नाचने लगा। उनकी बेटी गोल्डी तुरंत ही गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ी। वाइफ मंजू ने फोन उठाया, सभी रिश्तेदारों में खबर फैला दी। इधर सेठ जी ने वेबसाइट में दिए नंबर पर फोन लगाया और कह डाला बड़े ही गर्व से, हाँ भाई, 2 करोड़ वाली लॉटरी का टिकट मेरे पास है, मुझे लगा इनाम। सामने से मैडम की सुरीली सी आवाज आई, कांग्रेचुलेशन सर, क्या करेंगे आप इतने धनराशि का सर? थोड़ी देर तो सेठ धनराज सोच में पड़ गए कि इन पैसों का वाकई में वो क्या करेंगे, क्योंकि पैसे तो पहले ही तो बहुत उनके पास। फिर उन्होंने जवाब दिया, आए, कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपको क्या लेने देना, आप तो पैसे दो हमें। सामने से मैडम ने कहा, ऑलराइट सर, आप अपना लॉटरी का टिकट हमें ईमेल कर दीजिए। डन डन डन। बड़ी ही खुशी से डाल दिया सेठ जी ने UPI का पिन, मगर पिन डालते ही सेठ जी का हो गया तक धिना धिन धिन। बड़ी उम्मीदों से सेठ जी ने अकाउंट खोला ये देखने के लिए कि 2 करोड़ रुपए अकाउंट में कैसे लगते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में थे 2 रुपए। सेठ जी हैरान, अरे बाकी के 0 कहाँ रह गए, दिख ही नहीं रहे। स्टेटमेंट चेक करने पर पता चला कि अकाउंट में कोई पैसे आए नहीं, बल्कि पहले के जो 2 लाख रुपए थे वो भी डेबिट हो गए। सेठ जी ने उस नंबर पर दोबारा फोन लगाया, लेकिन ना तो फोन लगा और ना ही खुला वो वेबसाइट। सेठ जी की हो गई हालत टाइट। तो दोस्तों, इसीलिए कभी भी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपना UPI पिन एंटर ना करें। मम्मी पापा के सिवा किसी और के साथ अपना OTP शेयर ना करें। ऑनलाइन होने वाले बैंकिंग फ्रॉड से बचे M&M टॉकीज और कहानियों का मंत्रा द्वारा जनहित में जारी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M Original।